तत्समक और प्रतिलोम इस वीडियो में हम सीखेंगे योज्य तत्समक गुणात्मक तत्समक योज्य प्रतिलोम पूर्णांकों का निरपेक्ष मान योज तत्समक बच्चों क्या तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो माइनस एक में क्या जोड़ा जाए जिससे कि योगफल भी माइनस एक ही मिले सोचो सोचो ध्यान से देखो यहां माइनस एक के मान में कोई बदलाव नहीं आया अरे ऐसे तो जीरो जोड़ने पर होता है तो माइनस एक प्लस जीरो हुआ माइनस एक इसी प्रकार सात में कौन से पूर्णांक जोड़ने पर योगफल सात मिलता है शाबाश जीरो तो देखा आपने किसी पूर्णांक ए के लिए ए प्लस जीरो ए होता है यानी पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक हुआ जीरो और योज्य तत्समक को इंग्लिश में क्या कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी बिल्कुल ठीक गुणात्मक तत्समक बच्चों क्या कोई ऐसा पूर्णांक गुणा के लिए भी है जैसे माइनस को किस पूर्णांक से गुना करने पर गुणनफल -6 माइनस मिलता है हाँ, माइनस गुना एक हुआ माइनस अब ये रिक्त स्थान भरो जल्दी जल्दी केवल दस सेकेंड है आपके पास शाबाश, रिक्त स्थान पर एक आएगा तो देखा किसी पूर्णांक को एक से गुणा करने पर गुणनफल में वही पूर्णांक मिलता है यानी हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एक होता है समझे तो ए गुना एक हुआ एक गुना ए बराबर ए प्रतिलोम आइए माइनस दस से दस तक की एक संख्या रेखा बना लेते हैं अब चार प्लस माइनस चार पता करते हैं जीरो से चार कदम दाई ओर पहले पूर्णांक चार तक चलते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ने के लिए किस ओर बढ़ते हैं बाई ना हाँ और यहाँ माइनस चार जोड़ना है यानी चार से चार कदम बाई ओर चलते हैं और ये कहा पहुंचे हम जीरो पर मतलब चार प्लस माइनस चार हुआ जीरो चलो अब माइनस पांच प्लस पांच देखते हैं ये गए हम जीरो से पहले पूर्णांक माइनस पांच तक और अब धनात्मक पूर्णांक पांच जोड़ने के लिए माइनस पांच से पांच कदम दाई ओर बढ़ेंगे तो ये पहुंचे हम जीरो पर और यही माइनस पांच प्लस पांच का उत्तर है अब तीन प्लस माइनस तीन क्या होगा फिर से जीरो और माइनस सात प्लस सात ये भी जीरो देखा बच्चों किसी भी पूर्णांक और उसकी विपरीत संख्या का योगफल जीरो होता है और ये दोनों पूर्णांक एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स होते हैं है ना रोचक जैसे चार का योज्य प्रतिलोम हुआ माइनस चार और माइनस चार का योज्य प्रतिलोम हुआ प्लस चार समझे तो किसी पूर्णांक ए के लिए योज्य प्रतिलोम हुआ माइनस ए माइनस ए का योज्य प्रतिलोम हुआ ए और ए प्लस माइनस ए या माइनस ए प्लस ए हुआ जीरो अच्छा अब जीरो का योज्य प्रतिलोम बताओ यानी जीरो में क्या जोड़ने पर जीरो मिलता है हा जीरो ही तो जीरो का योज्य प्रतिलोम हुआ जीरो है ना पूर्णांकों का निरपेक्ष मान। अच्छा अब ये बताओ कि माइनस पांच जीरो से कितनी दूरी पर है पांच मात्र की दूरी पर ना और पांच कितनी दूरी पर है अरे ये भी पांच मात्र की दूरी पर कोई पूर्णांक जीरो से जितनी दूरी पर होता है उसे उस पूर्णांक का निरपेक्ष मान या विशुद्ध मान या परम मान कहते हैं निरपेक्ष मान को कुछ इस तरीके से दर्शाया जाता है तो बच्चों माइनस पांच का निरपेक्ष मान हुआ पांच और पांच का भी निरपेक्ष मान हुआ पांच। अच्छा अब माइनस आठ का निरपेक्ष मान बताओ माइनस आठ जीरो से आठ मात्रक दूरी पर है तो माइनस आठ का मान आठ है चूंकि निरपेक्ष मान पूर्णांक की जीरो से दूरी है इसलिए निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है चलिए अब कुछ सवाल जवाब हो जाए माइनस बारह का योज्य प्रतिलोम क्या होता है विकल्प दो सही उत्तर है माइनस बारह का योज्य प्रतिलोम है प्लस बारह सबसे बड़े ऋणात्मक पूर्णांक में क्या जोड़ने पर परिणाम में वही पूर्णांक मिलता है सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या हुआ माइनस एक ना अच्छा आप बताओ कि माइनस एक में क्या जोड़ने पर माइनस एक मिलता है जीरो पर ना बिल्कुल ठीक शालिनी कहती है कि सौ का निरपेक्ष मान माइनस सौ होता है क्या वो सही है नहीं ना सौ का निरपेक्ष मान यानी जीरो और सौ के बीच दूरी जो कि सौ है तो सौ का निरपेक्ष मान सौ है चलो अब इनमें से सही विकल्प चुनो हम्म माइनस दस और दस का निरपेक्षमान दस ही होता है तो सही उत्तर है विकल्प तीन चलो अब बताओ इस खाली जगह पर क्या आएगा शाबाश रिक्त स्थान पर आएगा माइनस एक ए प्लस माइनस ए बराबर हुआ जीरो बच्चों योज्य तत्समक गुणात्मक तत्समक योज्य प्रतिलोम और निरपेक्ष मान के ऐसे ही बहुत प्रश्न वर्कबुक में दिए गए हैं उनका अच्छे से अभ्यास करना अब मैं चलती हूँ बच्चों अब मैं जाती हूँ आती इंग्लिश में अब होंगी बातें मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो गतिविधियाँ क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन और हाँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।